आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या है, 243 हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो हमको पता नहीं कौन कौन से पार्ट हैं। तो जैसे हमारे पास एक नंबर है 243, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गया उसने कि 243 हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स सच दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, या कि कंडीशन है। तो हमने किया क्या है कि 243 को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट हो गया हमने सपोज ए बोल दिया, दूसरे पार्ट को हमने बी बोल दिया, तीसरे पार्ट को हमने सी बोल दिया। अब कंडीशन क्या है कि द हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट मतलब ए का हाफ कितना हो जाएगा, ए बाई टू किसके इक्वल है, वन थर्ड ऑफ द सेकेंड पार्ट बी के वन थर्ड मतलब बी बाई थ्री एंड वन फोर्थ ऑफ द थर्ड पार्ट, इसका सी वाले का थर्ड पार्ट सॉरी वन फोर्थ ऑफ द थर्ड पार्ट मतलब इसका एक चौथाई पार्ट। तो ये हो गया सी बाई फोर। उसने बोला है ये तीनों क्या हैं, इक्वल हैं, मतलब ए बाई टू इक्वल टू बी बाई थ्री, बी बाई थ्री इक्वल टू सी बाई फोर, ये इक्वल का है उसने। तो द लार्जेस्ट पार्ट इज, हमको लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो करते क्या है इसमें से, ये 243 के पार्ट है ना, मतलब हम इसको लिख कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 243। गलत तो नहीं होगा ऐसा लिखना, क्योंकि इसी के पार्ट हैं। तो जब इन पार्ट को जब एक साथ कलेक्ट कर देंगे तो 243 के बराबर आएगा। तो ये हो गई क्वेश्चन फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन हमने बताया था कि हमको जिस वेरिएबल के टर्म में वैल्यू चाहिए होती है हम उसी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही करेंगे, सपोज जैसे तीन एक इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है तो एक साथ सॉल्व करना आसान नहीं होता है। तो हम करते क्या है कि एक वेरिएबल को फिक्स करके, जैसे हमने सपोज बी को फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो एक को फिक्स करके बाकी दोनों की वैल्यू, बाकी दोनों मतलब ए की वैल्यू और सी की वैल्यू हम बी के टर्म में ही निकालेंगे। तो पूरी इक्वेशन बी के टर्म में आ जाएगी और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो निकालते हैं यहाँ से, ए बाई टू इक्वल बी बाई थ्री है, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इक्वल टू हो जाएगा टू बी बाई थ्री, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। ऐसे ही अगर हम इन दोनों को इक्वल करें मतलब बी बाई थ्री इक्वल टू सी बाई फोर करें तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर बी बाई थ्री। तो यहाँ से हमें सी मिल गया और यहाँ से ए मिल गया। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर दें वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, टू बी बाई थ्री प्लस बी बाई वन, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया हमने, सी क्या है फोर बी बाई थ्री इक्वल टू 243। अब हमने एलसीएम लिया इसमें से, तीन एलसीएम हो गया, तो ये आ जाएगा 2b प्लस ये हो जाएगा 3b प्लस 4b इक्वल टू 243। इसको और थोड़ा आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 7 2 9b बटे 3 इक्वल टू 243। सो 9b हो गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, सो 3 इंटू 243, सो b इक्वल टू आ गया 3 इंटू 243 बाई 9। 9 से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये जाएगा 9 टू जा 18 और 9 से 63, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 81। तो अभी हम सिर्फ b की वैल्यू फाइंड कर पाए हैं, अभी हमको मालूम नहीं है कि हमको इसमें से बड़ा कौन है। तो अब हम इसकी हेल्प से हम a निकालेंगे, तो a इक्वल टू क्या, 2b बाई थ्री मतलब 2 इंटू 81 बाई थ्री, कैंसिल किया 27, a की वैल्यू आ गई 54। अब हम यहाँ से c निकाल लें, तो c क्या है, 4b बाई थ्री मतलब 4 इंटू 81 बाई थ्री, कैंसिल किया 27 और ये कितना आ गया, 27 4 जो 108। तो अब हमारे पास तीनों की वैल्यू निकल के आ गई a b c की, सबसे बड़ा कौन सा इसमें, c है, कितनी वैल्यू इसकी, 108। तो वही बताना है कि जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर आ गया 108। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।